नमस्कार, मैं त्रिशला यादव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास सेगमेंट में, जिसमें हम आपको उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। तो रुक करते हैं खबरों का। बरेली राइफल क्लब से अब लगेगा इंटरनेशनल निशाना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में क्लब हुआ शामिल। चीफ जस्टिस की बेंच ने टीचर की अपील की खारिज, फर्जी मार्कशीट पर नौकरी करने वाले अध्यापक को नहीं मिली राहत। कानपुर एयरपोर्ट के निर्माणाधीन टर्मिनल में हुआ हादसा, एक मजदूर की मौत। झांसी के थाने में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, थाने में डीजे पर नाच रहे पुलिस वालों ने की फायरिंग, एफआईआर दर्ज। कौशाम्बी में कंटेनर से भिड़ी बस, हादसे में चालक और 25 यात्री घायल, कानपुर से प्रयागराज जा रही थी रोडवेज। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे सीएम योगी, यूपी करेगा राष्ट्रपति की जीत सुनिश्चित। प्रतापगढ़ शहर का मुख्य रास्ता एक माह तक रहेगा बंद, क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण कार्य जारी। चंदौली किशोरी के साथ 3 महीने तक दुष्कर्म, गाजियाबाद में बंधक बनाकर करता रहा रेप, कमरे में कर देता था बंद। प्रतापगढ़ में साथियों ने सिपाही को पीट पीट कर मार डाला, छत्तीसगढ़ पुलिस में करता था नौकरी। रामपुर में पुलिस भाजपा के बीच टीम, अब्दुल्ला ने कहा पुलिस ने सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को किया गिरफ्तार। जौनपुर में 24 हेक्टेयर में बनेगी नई जेल, 250 करोड़ की लागत, 1032 कैदियों की क्षमता। अयोध्या में शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, उत्तराखंड के रहने वाले अयोध्या में चोरी की घटना को दे रहे थे अंजाम। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सहारनपुर हिंसा में वायरल मैसेज, चश्मदीद बोले झूठा मैसेज, उन तक भी पहुंचा जिनके पास मोबाइल नहीं था। फिरोजाबाद में मजदूरों के बच्चों को मिलेगी साइकिल, 2000 बच्चों को मिलेगा फायदा। अमरोहा में कारोबारी से 88,000 की ठगी, किराएदार ने सस्ते में सामान दिलाने का दिया झांसा। रामपुर में बिलासपुर में उपचुनाव के मतदान के दौरान हंगामा, आक्रोशित ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की दी चेतावनी। इटावा के सफाई में साधु की गला रेत कर हत्या, जमीन पर मच्छरदानी लगाकर सो रहे थे। फतेहपुर में 2 साइकिल सवारों पर पलटा ट्रक, 1 की मौत, तेज रफ्तार ट्रक से ड्राइवर ने खो दिया कंट्रोल। प्रयागराज में साहेब बीवी मुझे मारती है, जनसुनवाई केंद्र में पहुंचे पीड़ित ने अपनी पत्नी से बचाने की लगाई गुहार। अयोध्या में राम की पैड़ी पर पति पत्नी की पति की पिचाई में मुकदमा दर्ज, पुलिस 10 अज्ञात के खिलाफ की बालवा की धारदार में कार्रवाई। बांदा में सड़क हादसे में युवक की मौत, सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली में फूसी बाई। बदायूं में युवक को मारी गोली, पुलिस मान रही संदिग्ध, केशवपुर में देर रात की घटना के बाद पुलिस को तहरीर का इंतजार। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, अभियुक्त के पैर में लगी गोली, एसआई घायल, दोनों अस्पताल में भर्ती। बलरामपुर पहुंची राज्य महिला आयोग की सदस्य, मरीजों से की शिकायत पर नर्सों को वेतन रोकने का दिया निर्देश। पीलीभीत में सड़क हादसा, 10 की मौत, 7 घायल, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पेड़ से टकराई, हरिद्वार से नहाकर लौट रहे थे। आजमगढ़ रामपुर उपचुनाव की वेटिंग, केशव प्रसाद मौर्य बोले भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों को वोट की ताकत से दे जवाब। हमीरपुर में पिकअप और ऑटो की टक्कर, 8 की मौत, प्रत्यक्षदर्शी बोला मेरे सामने ड्राइवर ने तड़प कर दम तोड़ा। इस दौर में चलती कार में लगी आग, देखते देखते जलकर हुई राख, ड्राइवर ने कूद कर बचाई जान।
2009 में पोते ने की दादी की हत्या। माँ बोली, रोज कहता था सबको काट डालूंगा, फावड़ा उठाकर बुजुर्ग को काट डाला। अलीगढ़ में मकान मालिक पर लगा लैंचर तोड़ने का आरोप, आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। बदायूं में धड़ल्ले से अवैध खनन का कारोबार जारी, खनन माफिया बेखौफ, प्रशासन भी है मौन। लखनऊ के एक होटल में प्रॉपर्टी डीलर ने लगाई फांसी, सुसाइड नोट में लिखा, घर वालों को मेरी मौत की सूचना न दे। कानपुर में सिख दंगे में 5 और आरोपी गिरफ्तार, सिखों को जिंदा फूंकने के साथ ही घरों में आगजनी कर की थी लूटपाट। फरुखाबाद में नेकपुर की भूमि आवासीय घोषित करने की मांग, मोहल्ले के लोगों ने डीएम को दिया ज्ञापन। ललितपुर में युवक की पत्थरों से सिर कूचकर हत्या, भाई बोला किसी से नहीं रंजिश, गांव के दोस्त के साथ गया था पार्टी करने। फिरोजाबाद में करंट की चपेट में आकर युवक की मौत, खेत पर काम करने के दौरान हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। गाजियाबाद में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से दूर जा गिरी कार। चित्रकूट में डीएम ने संचारी रोग को लेकर की बैठक, 1 जुलाई से शुरू होगा दस्तक अभियान, सीएम का है ड्रीम प्रोजेक्ट। रिजोर में रोड एक्सीडेंट में बच्चे की मौत, चाचा के साथ बाइक से जा रहा था 8 साल का बच्चा। ताजमहल के अंदर महिला का बीड़ी पीने का वीडियो वायरल, पुरातत्व विभाग ने सीआईएसएफ से मांगा जवाब। जौनपुर में पदरियों से वसूले जाएंगे 40 लाख रुपए, अग्निपथ योजना के विरोध में सरकारी संपत्ति में की थी आगजनी और तोड़फोड़। हाईस्कूल के टॉपर से मिले सीएम योगी, फिट रहने के लिए योग के टिप्स दिए, बोले परीक्षा से डरना नहीं सामना करना है। फरुखाबाद में डीएम के आदेशों का नहीं हो रहा पालन, लोगों ने बना ली थी सीएमओ के फर्जी आदेश की कॉपी। गोंडा में 25 किलो गोमांस के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद, 3 महिला भी शामिल। गोरखपुर में बाढ़ से निपटने को प्रशासन की तैयारियां पूरी, जिले के 146 गांव है चिन्हित जहां हर साल आती है बाढ़। इटावा में महिला का शव रखकर किया हंगामा, महिला की आत्महत्या के मामले में परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना किया। कानपुर हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन, डीचू गैंग ने शातिर को पाकिस्तान से मिल रहे थे इंस्ट्रक्शंस। कन्नौज में कार्रवाई के बिना शिक्षक को हिरासत मिली, एसआईटी जांच में सामने आया तिरवा कोतवाली के शौचालय में लगाई गई थी फांसी। हरदोई में मेडिकल कॉलेज निर्माण में मिली खामियां, सीडीओ ने सामग्री का सैंपल भेजा जांच के लिए। रायबरेली में 2 पक्षों में हुई मारपीट, जमीन विवाद में दबंगों ने किया हमला, पति पत्नी घायल। बागपत में इलाज के दौरान वकील की मौत, परिजन बोले डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया, मामला पहुंचा थाने। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा, मुख्तार की पत्नी अस्फा अंसारी के नाम जमीन की गई कुर्क। हरदोई में रिश्वतखोर फार्मासिस्ट के हौसले बुलंद, मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर पीड़ित से मांगे 2000। मुरादाबाद में आजम खां के करीबी यूसुफ मलिक की अवैध संपत्ति पर चला योगी सरकार का चाबुक, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग सील। संत कबीर नगर में अस्पतालों पर चला प्रशासन का हंटर, अवैध रूप से संचालित 3 हॉस्पिटलों को प्रशासन ने किया सील। सिद्धार्थनगर में पुलिस के चोर गैंग का किया पर्दाफाश, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में इनामी गैंगस्टर को पुलिस ने पहुंचाया जेल, विभिन्न थानों में है नामजद, 10,000 रुपए का था इनाम। कौशाम्बी में बदमाशों ने युवक पर किया फायर, खेत से लौटते समय की हाथापाई, विरोध करने पर मार दी गोली। पीलीभीत में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, पीड़िता ने एसपी ऑफिस में खाया जहर।
गौतम बुद्ध नगर में 7 साल की मासूम से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, चॉकलेट कल शाम से ही था फरार। औरैया में लेखपाल पर आरोप, ग्रामीणों ने लगाया धन उगाही करने का आरोप। मेरठ में 10 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, अवैध निर्माण को लेकर कमिश्नर ने मांगी रिपोर्ट। सहारनपुर में पेंट की दुकान में लगी भयंकर आग, आग लगने से लाखों रुपए का सामान स्वाहा। जलौन में एसपी ने दरोगा को किया लाइन हाजिर, छुट्टी पर होने के बावजूद मकान निर्माण करवाने गए थे दरोगा। सहारनपुर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बोले, सपा कोई दल नहीं, जातिवादी ऑर्गेनाइजेशन है। महाराजगंज में 9 बाल श्रमिकों को कराया गया मुक्त, डीएम ने तहसीलदार टास्क फोर्स का किया गठन। सुल्तानपुर में हाईवे किनारे मिला नवजात, झोले में भरकर झाड़ियों में फेंका। बाराबंकी में ट्रक और डीसीएम की भिड़ंत, हादसे में ट्रक चालक की मौत, टक्कर के बाद सड़क किनारे पलटे दोनों वाहन। गाजियाबाद में एचआईवी मरीज को न एम्बुलेंस न स्ट्रक्चर, रिक्शा ठेला खींचकर अस्पताल तक लाया गया, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बैठाई जांच। गाजीपुर में महिलाओं ने की शौचालय निर्माण की मांग, आश्वासन के बाद भी आज तक नहीं बना शौचालय। अंबेडकर नगर में प्राइमरी स्कूलों में नहीं है सुरक्षा के इंतजाम, बाउंड्री वॉल और गेट नहीं होने से शिक्षकों को सताती रहती है चिंता। एसपी ने पुलिस पर चेक किया रिस्पांस टाइम, 5 मिनट के अंदर पहुंची एक्शन टीम। सात जून को मथुरा के वृंदावन आएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, युद्ध स्तर पर शुरू की तैयारियां। लखनऊ में आरएसएस दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मामले में यूपीएटीएस का बड़ा खुलासा सामने आया, पीएफआई कनेक्शन। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से 75 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।